कौशाम्बी जनपद में मोरंग से भारी ट्रक का टायर फट जाने से एक खड़ी स्कॉर्पियो पर पलट गई। स्कॉर्पियो पर बैठे 8 बाराती ट्रक के नीचे दब गए। इस भीषण सड़क हादसे में 7 बारातियों की मौके पर ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई, जबकि इलाज के लिए जा रहे 12 साल के किशोर की मौत रास्ते में ही हो गई। सड़क हादसे की जानकारी मिलने पर डीएम एसपी समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। दरअसल कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र के देवीगंज बाजार स्थित गेस्ट हाउस में शहजादपुर निवासी मालिक के बेटे पंकज की बारात आई थी। बताया जा रहा है कि 9 बाराती खाना खाकर वापस लौट रहे थे, लेकिन ड्राइवर रास्ता भटक गया। रास्ता पूछने के लिए 2 महिलाएं स्कॉर्पियो के नीचे उतरी थी, तभी मोरंग लदे तेज रफ्तार ट्रक का टायर फट गया और ट्रक अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पर पलट गई। सूचना पर पहुंची कड़ाधाम पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया, जिसके बाद सभी को बाहर निकाला गया। मरने वालों में परिवार की 6 महिलाएं, 1 12 वर्षीय किशोर और ड्राइवर शामिल हैं। पुलिस को रेस्क्यू करने में तकरीबन 3 घंटे का समय लगा। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे के बाद शादी वाले घर में मातम पसर गया। और आज रात के 3:30 से वो ये दुखद घटना घटी, जिसमें हमारे उनके परिवार के सदस्य लोग ये स्कॉर्पियो में थे। यहाँ पर टोटल 10 लोग थे स्कॉर्पियो में, उसमें से 2 तो घटना के समय 2 सदस्य बाहर उस स्कॉर्पियो से निकले, और उसके अलावा उसमें से ये ड्राइवर था और 7 अन्य सदस्य थे। और ये ट्रक के पलटने के कारण उसमें से जितने 7 परिवार के सदस्य या ड्राइवर उनकी मृत्यु हो गई और 2 डेड बॉडी अभी 2 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचे पर जिला अस्पताल में CMS ने और बाकी जो यहाँ से निकली वो डेड बॉडी ड्राइवर को मिलाते हुए। ये जो ट्रक है ये बालू की मिट्टी की 80 और इसमें इसका जिस तरफ पड़ता है उसका एक टायर पलटने से जो घटना हुई तो पलट गया, और इसको हम लोग आगे की छानबीन करें। परिवार के परिवार के हैं कि अलग अलग लोग हैं? देखिए, उसमें एक तो ड्राइवर है वो तो डेफिनेटली अलग है, वो उसके जो नेपाल के उनकी और उनके दूर के रिश्तेदार। थैंक यू। हादसा कैसे हुआ है, कहाँ ये लोग जा रहे थे, कितने लोगों को? गाड़ी में लगभग 9 लोग थे और यह हादसा हुआ है देवीगंज चौराहे पे। ड्राइवर जो है रास्ता भटक गया था, इसको जाना था शहजादपुर, ये लेदरी में रास्ता था मुड़ गया और वहाँ खड़े होकर फ़ोन लगाया कि रास्ता भटक गए हैं, पता नहीं कैसे ट्रक वाला आया, ट्रक वाला ब्रेक मारा और ट्रक पूरी लेके पलट गया गाड़ी के ऊपर, बालू ओवरलोड लदी बालू पूरा पलट गया, बालू पूरा दब के सब। इसमें 2 बच्ची बच गई हैं जो आगे बैठी थी, वही लोग खिड़की तोड़ ओड़ के निकल के आई हैं, वही लोग फ़ोन कर आई हैं, 2 बच्ची बच गई हैं। कितने लोग थे? अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, अब सब आ जाए तो पता लगे कितने लोग थे। सबके हमारा रवीश गुप्ता। दस्तक भारत के लिए कौशाम्बी से शब्बर आली की रिपोर्ट।